वेलकम बैक टू अवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने अगले सफर पे जा रहे हैं, तो हमारा अगला सफर है कोसानी। तो चलिए चलते हैं कोसानी की तरफ। बियॉन्ड द क्लाउड के लिए गए थे ना, बिल्कुल वैसी सड़क है। ऐसी सड़क देख के हमें वो नजारा याद आ जाता है। और ये नीचे की साइड यहाँ से नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल इसके साथ साथ जो है नदी जा रही है। वो कसार देवी टेम्पल ऊपर ऊपर वो नजर आ रहा ना, जहाँ पे ये रोक लगा हुआ है। गाड़ी रोक के और विंडो में से ले रहे हैं इस नजारे का मजा, क्योंकि रुका नहीं गया इसको कैप्चर किए बिना। 2 मिनट ड्राइव करते हैं गाड़ी को और फिर से इतना बढ़िया नजारा आ जाता है कि रोक के व्यू लेने से हम रुक नहीं पाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी है, बिल्कुल है ना, पूरे ग्रीन है, ग्रीन 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 कलर आंखों को कितना सुकून देता है। ये है कोसी से और कोसानी का रास्ता। आगे आगे चलो तुम, पीछे पीछे प्रीत मित तेरे मेरे हो पे, मीठे मीठे गीत मित। अभी हम जा रहे हैं कोसानी, तो रास्ते में एक गांव है दाड़िम कोला, बहुत ही सुंदर गांव है, काफी घर बने हुए हैं यहाँ पर। दाड़िम कोला ग्राम, हाँ काफी अच्छा है मतलब, और अच्छा, यहाँ डेवलप्ड, हाँ क्योंकि डस्टबिन वगैरह भी देखो प्रॉपर लगे हुए, मैंने काफी जगह पे देखे हैं। ये क्या तिलोरा सनकिया कोट तिलोरा भग, और ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सामने देखो क्या है, ये इतना पहाड़ काट रखा है, कच्चा रास्ता बना है साथ में। ये देखिए स्टेप फार्मिंग, बुग्याल नहीं है, स्टेप फार्मिंग है, स्टेप्स बने हुए हैं। ये है गोलाकोट गांव, बहुत ही सुंदर बना हुआ है वो, देखो ऊपर वो है ना डबल स्टोरी भी बने हुए हैं। कहते हैं ना कि अगर जन्नत देखनी हो तो इंटीरियर में घुसना पड़ता है। ये देखिए क्या स्टेप फार्मिंग है, बीच में ये रिवर चल रहा है। ये हैं जन्नत के नजारे, हर 5 या 10 मिनट में गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि जो ये सीन है इसको कैप्चर किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये देखिए ये बीच में रिवर बह रहा है और साथ में स्टेप फार्मिंग, ये रिवर है। वाओ वाओ अपने आप निकलता है मुंह से, आपको लगता होगा बार बार वाओ बोलते हैं, बट वाओ बोलने की बात नहीं है, ये फील से निकलता है, अंदर से निकलता है फील। इस टाइम हम हैं सोमेश्वर में और यहाँ की जो वैली है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब फ्लैट लैंड ज्यादा है जहां पे की खेती होती है वो बहुत ज्यादा है, और जो जगह है उत्तराखंड में वहां पर इतनी ज्यादा फ्लैट लैंड आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो बिल्कुल फ्लैट है और नदी के किनारे किनारे है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सिंचाई की भी कोई दिक्कत नहीं होती होगी। सोमेश्वर जो है वो काफी बसा हुआ एरिया है, काफी डेंस है विलेज यहाँ पे। ये हम मेरे ख्याल से सोमेश्वर मार्केट यही होगी, ये वो कह रही थी ना सोमेश्वर मार्केट में से। हाँ अभी हमें सोमेश्वर की मार्केट में, मतलब वहां से शुरू हुई थी मार्केट और अभी बीच में बने चौड़ी मार्केट है पूरी सोमेश्वर की, तो वाह जलेबियां बन रही है गरम गरम, खुशबू आ गई, खुशबू आई है जलेबी बनने की भाई। एक और शानदार व्यू रोड साइड, वो कोई मंदिर है नीचे, हाँ मंदिर है वो नीचे, तो सुंदर बना हुआ है ना, कलर देखो क्या ब्यूटीफुल मंदिर है यार, सोमेश्वर का। सोमेश्वर मंदिर है क्या ये, पता नहीं है हमें, हमें पता नहीं एग्जैक्ट। और इधर की एक खास बात है कि यहाँ चौड़े चौड़े खेत हैं बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा डेंस जो गांव बसे हुए हैं उसका एक रीजन यही है कि यहाँ खेती की जमीन बहुत है प्लेन, और पानी की कमी नहीं है, साथ साथ नदी बहती है और नदी के किनारे किनारे पूरे खेत भर हैं।
ऊपर जंगल एरिया भी काफी है, जंगल एरिया नीचे खेत है। हाँ बहुत ही मस्त, ये देखो गेहूं लगी है, आलू लगे हैं, ये देखिए व्यू। और ये रोड जा रही है कोसानी द्वारहाट होते हुए, खूबसूरत से खेत और ऊपर घर, बहुत ही प्यारी जगह लग रही है। ये देखो ये हो रही है यहाँ पर एप्पल फार्मिंग। Yet another village, another beautiful village. बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, होम स्टे है बट अवेलेबल नहीं है, फुल है। नीचे देखो, नीचे जो मतलब गार्डनिंग है ना, इतने बढ़िया बढ़िया पैचेस लग रहे हैं ना, ग्रीन येलो, कुछ पक गई हैं फसलें और कुछ अभी हो रही हैं, आलू है और इसमें वो गेहूं लगी हुई है, तो सुंदर पैच लग रहे हैं ना, जबरदस्त वाले। हम दोनों रिटायर रिटायर हो गए। हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में थे, दो लड़की लड़का, एक लड़का एक लड़की, बड़ा हाँ बेटी की शादी कर दी, उसके दो बच्चे हैं, अब बेटे की भी शादी है, इस साल में कर देंगे भगवान। और आप यहाँ कैसे? तबीयत खराब है, तबीयत ना, यहाँ हॉस्पिटल भी नजदीक में नहीं रहते, हॉस्पिटल नहीं है ना, वीकनेस है ना यहाँ पहाड़ में, यही तो है कि औरतों के ऊपर ना काम का बोझ ज्यादा होता है, दवाई। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र कितनी हो गई? मालूम ही नहीं, क्या खाया कर मालूम, वो याद नहीं रहता, उम्र क्या याद रहेगी। रास्ते में हमें एक अम्मा जी मिली, उन्हें देखकर मुझे अपनी अम्मा जी की याद आ गई और मन हुआ कि हम उनसे कुछ देर बातें करें, और उनसे हमें बात करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। बैजनाथ बिग बागेश्वर, ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, लगभग कोसानी से हम 3 किलोमीटर दूर हैं, और ये देखिए अंतर करते ही उत्तराखंड में कोसानी में ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, बहुत ही बढ़िया। बैराज झील, ये बैराज झील के लिए कई रास्ता जाता है नीचे की। कोसानी से अब हम मुड़ गए हैं बागेश्वर वाली रोड के ऊपर, तो हंट कर रहे हैं हम रुकने की जगह का। हाँ कहीं हमें अच्छी सी जगह मिले तो हम रुक के थोड़ा खाना वाना भी बनाएंगे, पहले तो जगह देखेंगे कोई। मंकी इसको देखो, ये है कोसानी का ग्रामीण उद्योग केंद्र, और यहाँ पर काफी सारे होटल्स और होम स्टेज मेरे ख्याल से बने हुए हैं, क्योंकि काफी लग रहा है बसा हुआ सा ना, स्टे इन कोसानी। अभी हम हैं लवली रेस्टोरेंट में और उसका ये मेन्यू है, सर देख रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आज कुछ ना बनाए, कुमाऊनी डिश खाएं या कुछ जो भी अच्छा बना हो वो खाएं। हाँ, कुछ पहाड़ी डिश, और जहाँ हम बैठे हैं वहां से आप व्यू देखिए जरा, क्या जबरदस्त व्यू है। वो सामने पिंडारी ग्लेशियर है उस साइड में, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? अभी तो वो आ गया ना फॉग आई हुई है अभी। हाँ ये है इनका रेस्टोरेंट, और यहाँ पर जो है पहाड़ी, अगर दाल वगैरह आप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। और ये देखिए रेस्टोरेंट है, एट ए टाइम कम से कम 40-50 लोग, 40 तो खा सकते हैं ना। हाँ और सबको व्यू मिलेगा शाम में। हाँ सबको व्यू मिलेगा। ये देखिए चीड़ के जो वो गिरते हैं उससे कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, यूज हर चीज यूज होती है। हमने मंगाया है पहाड़ी खाना जिसमें राजमा है, चावल है, पहाड़ी रायता है, पुदीने की चटनी, सलाद और साथ में गर्मा गर्म फुलके। ये स्पेशल डिश, हाँ ये है पहाड़ी रायता, बहुत बढ़िया होता है। तो शुरू कर दिया फटाफट। हाँ तो खाओ ना, कैसा है टेस्ट? बढ़िया बढ़िया, रायता देखा इसका, बहुत बढ़िया टेस्ट है। बिसलेरी बंद है? हाँ अच्छा, मस्त है, मस्त है। नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है। सुंदर, अच्छा ये कब बनाया आपने?
अच्छा 15 साल हो गए हैं। और होम स्टे भी है साथ में? होम स्टे भी इसके नीचे भी है, बगल में भी है। अच्छा। और ये जो टी गार्डन है ये भी आपने डेवलप करवा रखा नीचे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पर्सनल अपने। अच्छा, हिमालयन व्यू भी दिखता है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा क्लियर यहाँ से हिमालय। अभी तो क्लाउड्स है ना? हाँ, ये थोड़े से क्लाउड्स हैं अभी, ये थोड़ा सा बादल आ गए अभी। हाँ, ये तो हिमालय यहाँ से काफी सुंदर है। हमारे घर से मुक्तेश्वर से 180 डिग्री दिखता है हिमालय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी पार्किंग में आज हमारी गाड़ी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को भी रहेगी। बस एक हमें दिक्कत आती है, वैसे तो मैंने वॉशरूम टेंट रखा हुआ है, लेकिन यहाँ टेंट लगाना ठीक नहीं है। वॉशरूम टेंट रहता है हमारे पास, तो बस वो वॉशरूम सुबह हम यूज करेंगे। स्पेशल थैंक्स टू अवर सब्सक्राइबर जो मुंबई और दिल्ली से है, और ये हमें कौसानी में मिले। गाड़ी हमारी लग गई है कैंपिंग के लिए, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस देख के हमने गाड़ी अपनी लगा दी। और पीछे जंगल व्यू है, इधर से थोड़ा सा सपोर्ट है, तो आज कैंपिंग यहीं होने वाली है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।